अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइंस फिक्शन चैनल में खुश आमदीद। हमारे चैनल का मकसद साइंसी और पेचीदा मालूमात को कहानी की सूरत आप तक पहुंचाना है। अगर आपको हमारा चैनल दिलचस्प और मालूमात भरा महसूस हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस सफ़र में हमारा साथ देने का शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम जिस मसले पर बात करेंगे वो है क्लस्टर सरदर्द। क्लस्टर हेडेक एक नायाब बीमारी है जो 1000 अफराद में से किसी एक को मुतासर करती है। एक अंदाजे के मुताबिक बरतानिया में तकरीबन 65,000 अफराद इस मर्ज का शिकार हैं। कैटी मार्टिन ब्रेन रिसर्च की एक मैनेजर हैं, उनके मुताबिक इस बीमारी का नाम इसकी शिद्दत को बयान करने के लिए नाकाफ़ी है, जो सिर्फ सर दर्द से कहीं ज़्यादा है। ये बहुत शदीद है। यहाँ हम आपको इस मर्ज में मुबतला 53 साल डैरन फ्रैंकिश की कहानी सुनाते हैं। 53 साल डैरन फ्रैंकिश गुज़श्ता 17 सालों से इस अजियतनाक मर्ज का शिकार हैं, जिसकी तकलीफ़ के बायस वो चीखते हैं, चलाते हैं और यहाँ तक कि सर दीवारों पर मारने पर मजबूर हो जाते हैं। ये दर्द इस कदर शदीद होता है। स्कॉटलैंड के रिहायशी डैरन का कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई पूरी ताकत से बेसबॉल का बल्ला उनके सर पर मार रहा है। इस दौरान उन्हें आंखों में भी शदीद तकलीफ होती है और उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई इनकी आंखों में खंजर मार रहा हो। इस बीमारी को क्लस्टर सरदर्द के नाम से जाना जाता है। माहिरीन का कहना है कि ये इंसान को मुतासिर करने वाली सबसे ज़्यादा तकलीफ देह हालतों में से एक हालत है। डैरन पेशे के लिहाज से इंजीनियर हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के दिनों में एक बार उन्हें शदीद सर दर्द की शिकायत के साथ अस्पताल जाना पड़ा। वो कहते हैं कि मुझे याद है कि एक वक्त ऐसा आया कि दर्द की शिद्दत के बायस मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस के सामने कूद कर अपनी जान दे दूँ। ये वो लम्हा था जब मुझे समझ आई कि इसको खुदकुशी पर मजबूर करने वाला सरदर्द क्यों कहा जाता है। जी नाजरीन, ये इस कदर शदीद है कि लोगों का मरने को जी जाता है। डैरन का कहना है कि मैं हर वक्त इस खौफ के साथ जी रहा हूं कि सरदर्द का अगला हमला कब होगा। इस सोच ने मुझे जिंदगी से ही खौफजदा कर दिया है। ये जानते हुए जीना कि ये किसी भी वक्त हो सकता है एक नफसियाती अजियत से कम नहीं, मैं इस बीमारी से खौफजदा हूँ। आम तौर पर जब इस दर्द का दौरा पड़ता है तो इसका दौरानिया 15 मिनट से 3 घंटे तक होता है और एक दिन में 7 से 8 दर्द के दौरे भी पड़ सकते हैं। डैरन का कहना है कि कई मरतबा उन्हें ये सर दर्द 12 घंटे तक भी रहा। उनका कहना है कि इस दर्द के दौरे का आगाज उनके सर की बाईं जानेब आंख के ऊपर उठने वाली एक शदीद टीस से होता है। धीरे धीरे उनकी आंख सुर्ख होना शुरू हो जाती है और इससे बहुत ज़्यादा पानी बहने लगता है। उनकी नाक बंद हो जाती है और सर में शदीद दर्द हो जाता है। डैरन इसको बयान नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि इस दर्द को सिर्फ एक खौफनाक एहसास के तौर पर ही बयान किया जा सकता है। नाजरीन, अब हम बात करते हैं कि क्लस्टर सरदर्द होता क्या है। क्लस्टर यानी झुरमट सरदर्द की एक नायाब बीमारी है जो 1000 अफराद में से किसी एक को मुतासर करती है। एक अंदाजे के मुताबिक बरतानिया में तकरीबन 65,000 अफराद इस मर्ज का शिकार हैं। ये एक शदीद दर्द होता है, जैसा कि डैरन ने बयान किया कि क्लस्टर अटैक का दर्द नाकाबले बर्दाश्त होता है। इसमें लोग दर्द से चीख रहे होते हैं, हत्ता कि इस अजियत से निजात पाने के लिए दीवारों से सर टकराने लग जाते हैं। आम तौर पर मुतासरा अफराद की उम्र 30 साल से ज़्यादा होती है और ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। इस दर्द का दौरानिया चंद दिनों में एक बार से लेकर रोज़ाना मुतअद्दिद बार हो सकता है और इसका एक दौरानिया 15 मिनट से लेकर कई घंटों तक हो सकता है। इसकी वजह से कई अफराद को अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। ये बीमारी लोगों की तरह से ज़िंदगी को मुतासर करती है और मुतासर अफराद को अक्सर अपनी नौकरी से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। क्लस्टर सरदर्द की वजह से डिप्रेशन का ख़तरा 3 गुना तक बढ़ सकता है।
जबकि कई बार इसके शिकार मरीजों की जानिब से खुदकुशी के रुझानात भी रिपोर्ट हुए हैं। नाजरीन, सबसे अफसोसनाक पहलू इस बीमारी का ये है कि इसका फ़िलहाल कोई इलाज नहीं है। जदीद साइंसदान इस पर तहकीक कर रहे हैं और बहुत सारी NGOs इसमें फंड्स भी फराहम कर रही हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक क्लस्टर सरदर्द नाकाबले इलाज है।